प्रधानमंत्री मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी एवं परिश्रमी मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी होनहार उम्मीदवार और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आपकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस सभा के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की, इतनी बड़ी व्यवस्था की। आपको कठिनाई हो न हो इसके लिए टेंट भी लगा दिया, लेकिन जितने लोग टेंट में हैं उससे डबल मैं बाहर देख रहा हूं, और वे धूप में तप रहे हैं। जो धूप में तप रहे हैं, जिनको असुविधा हुई है, मैं उनकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं आपकी ये तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा और इस इलाके का विकास करके लौटाऊंगा। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर की इस पवित्र भूमि के प्रणाम करतमाने आप लोगन के भी इस प्रधान सेवक का नमस्कार। साथियों, पांच चरणों के चुनाव हो चुके हैं, विरोधी चारों खाने चित्त है, बौखलाए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा इस चौकीदार पर, देश के सेवक पर लोगों का इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है। भाइयों और बहनों, आज दुनिया में जो भारत की गूंज सुनाई दे रही है, देश इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को वोट दे रहा है। आतंक के खिलाफ जो सीधी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसके लिए देश कमल के निशान पर बटन दबा रहा है, मोदी को वोट दे रहा है। भारत को दहलाने वाले आज डर डर कर जीने को मजबूर है, वो डर रहे हैं
इसलिए देश की हिम्मत बढ़ रही है और इसलिए देश मोदी को वोट दे रहा है। पाकिस्तान के आतंकियों को घर में घुसकर मारने की ये रीति नीति आपको पसंद है? ये घर में घुसकर मारना आपको पसंद है? इस रीति नीति के लिए ही देश कमल खिला रहा है। राम का नाम लेने वालों को जेल में डालने वालों को सबक मिले, लोकतांत्रिक तरीके से सजा मिले, इसलिए पश्चिम बंगाल हो या हिंदुस्तान का कोई भी किनारा हो, इसलिए देश कमल के निशान पे वोट दे रहा है। देश मजबूत, निर्णायक और ईमानदार सरकार के लिए वोट दे रहा है। देश वोट दे रहा है इसलिए फिर एक बार 23 मई को नतीजे आएंगे, फिर एक बार मोदी सरकार तय है। ये लोग इतने परेशान है। आज सुबह में जब खबरें आती हैं, रिपोर्ट आते हैं, तो पता चला कि कश्मीर में कुछ आतंकवादियों को हमारी सेना ने मार गिराया। अब कुछ लोगों की यह परेशानी है कि आज जब मतदान चल रहा है तब मोदी ने आतंकवादियों को क्यों मारा? वो बम बंदूक लेके सामने खड़ा है, क्या वहां मेरा जवान इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेने जाए क्या कि मैं इसको गोली मारूं कि ना मारूं? क्या खेल बना के रखा है हमारे विरोधियों ने? अच्छा, कश्मीर में जब से हम आए हैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन सफाई होती रहती है। ये सफाई अभियान मेरा काम है भाई। कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर के मेरे साथियों, अब समय आ गया है जब आपको भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत को और भव्य और दिव्य बनाना है। हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसलिए आपका हर वोट मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए एक वोट भी जरा भी कम नहीं है। मेरे लिए हर वोट पवित्र है, हर वोट अमूल्य है। जीत सामने देखकर, भाइयों बहनों, ये गंभीर बात मैं बता रहा हूं, जीत सामने देखकर ये समय आराम करने का नहीं, ये जीत को इतना ऐतिहासिक बनाने का समय है कि महामिलावट करने वाले लोग देश के खिलाफ जाने का भी सोच दें, ये विचार भी सोचना छोड़ दें। साथियों, सपा, बसपा और कांग्रेस, इनकी ये महामिलावट कैसे काम करती है,
इसका उदाहरण राजस्थान है। मैं हैरान हूं, आए दिन बातें करने वाले सारे चुप बैठ गए हैं। राजस्थान में क्या हुआ, वहां एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, वहां कांग्रेस की सरकार है, नामदार की सरकार है और राजस्थान की सरकार बहुमत वाली सरकार नहीं है, बीएसपी के समर्थन से चल रही है। राजस्थान की सरकार बीएसपी के कारण चल रही है। कांग्रेस और बीएसपी ने, ये दोनों के द्वारा जो राजस्थान में सरकार चल रही है, दलित बेटी पे जो बलात्कार हुआ है उसको दबाने में वो जुटी हुई है। न्याय 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 के नाम से चिखने वाली कांग्रेस के नामदार के मुंह पर भी ये बलात्कारियों ने ताला लगा दिया है। साथियों, आज यूपी की बेटियां बहन जी से पूछ रही है और बहन जी आपको जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान में बहन जी आपके समर्थन से सरकार चल रही है और वहां दलित बेटी पे बलात्कार हुआ है, आपने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? बयानबाजी करके घड़ियाली आंसू बहा रही हो? अगर आप और बहन जी, आपके साथ गेस्ट हाउस में हुआ था, पूरे देश की बहनों को पीड़ा हुई थी। क्या कारण है बहन जी आपको पीड़ा नहीं हो रही है? अगर आप बेटियों की रक्षा के प्रति इतनी ही ईमानदार है तो आज ही इसी मिनट राजस्थान सरकार में से बसपा का समर्थन वापस ले लीजिए, गवर्नर को चिट्ठी लिख करके आइए, बयानबाजी नहीं। साथियों, बेटियों पर अत्याचार करने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को सजा देने के लिए ही आपके इस चौकीदार ने फांसी की सजा का प्रावधान किया है। कांग्रेस सरकार की भी नीयत सही होती तो अलवर में जो हुआ उसे छिपाने में दबाने में नहीं लगती, लेकिन इनके पास तो एक ही जवाब है। आपको मालूम है जवाब क्या है? उनके पास एक ही जवाब है, हुआ तो हुआ। क्या जवाब है? क्या बोल रहे कांग्रेस के नेता? हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ। साथियों, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो या 1984 में हजारों सिखों की बेरहमी से कत्ल हुई हो, इनका जवाब यही होता है, हुआ तो हुआ। साथियों, जिस अहंकार में ये लोग कहते हैं हुआ तो हुआ, वो इन लोगों ने देश की सरकारी मशीनरी का एक हिस्सा बना दिया, आदत बना दी। बीते 5 साल में आपके इस सेवक ने इस कार्य संस्कृति को बदल दिया है। इन लोगों के दांव पेच नाकाम हो रहे हैं और इसलिए लोग मुझे पानी पी पी करके कोस रहे हैं। हर दिन नई गाली देते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं, दुनिया भर की प्रेम की डिक्शनरी खोज करके लाते हैं और प्रेम का नकाब पहना करके मुझे गालियां देते हैं। अब आजकल
इन लोगों ने मेरी जाति का सर्टिफिकेट मांगना शुरू कर दिया है। साथियों, मैं कभी इस राजनीति में जाता नहीं हूं और आपके आशीर्वाद से मुझे कभी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन जब लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि मेरा जन्म तो अति पिछड़ी जाति का है, लेकिन मैं भले ही अति पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, लेकिन मेरा सपना पूरे हिंदुस्तान को अगड़ा बनाने के लिए दिन रात मेरी एक ही जात है। कान खोल करके सुन लो सारे जातिवादी नेता, सुन लो, जातिवाद के नेम पर 70 साल से गरीबों को लूटने वाले, कान खोल करके सुन लो, मोदी की एक ही जाति है गरीब। मेरी एक ही पहचान है गरीब। मैंने गरीबी सही है, गरीबी का दर्द सहा है, गरीबी से निकलकर ही, गरीबों के आशीर्वाद से ही आज मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है। साथियों, ये पद, ये प्रतिष्ठा, कभी गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद, 5 साल से प्रधानमंत्री पद, ये सत्ता, ये सब आपने मुझे दिया है, पर मैंने और मेरे परिवार ने इस सत्ता का, इस पद का कभी दुरुपयोग नहीं किया है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हूं, ये दोनों बुआ और बबुआ दोनों मिलाकर के गिनूं, उससे ज्यादा समय मैं मुख्यमंत्री रह के आया हूं, लेकिन मैंने मेरी और मेरे परिवार की गरीबी को अमीरी में नहीं बदला है। मैंने सत्ता का उपयोग गरीबों की सेवा के लिए किया है, उनके हितों के लिए किया है। मैंने देश में गरीबी कम करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। साथियों, आज जो लोग मेरी जाति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जब उन्हें आपकी सेवा का मौका मिला तो उन्होंने अपने लिए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली। मैं गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, 5 साल से देश का प्रधानमंत्री हो, और मेरा बही खाता, खुली किताब देश के सामने है। कौन गरीबों के लिए जीता है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने मौजूद है। साथियों, जब इन्हें मौका मिला तो इन लोगों ने अपने लिए, और ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, अपने लिए लाखों करोड़ों के बंगले बना दिए। बनाए कि नहीं बनाए, बनाए कि नहीं बनाए, परिवार के सबके लोगों के लिए बनाए कि नहीं बनाए, सबके पास महंगी से महंगी गाड़ियां हैं कि नहीं है। उनसे ज्यादा मुझे सत्ता पर रहने का अवसर मिला है, मेरे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा बंगलो नहीं बनाया, नहीं मैंने मेरे परिवार का, मैंने इस सेवा का उपयोग 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए। जब इन्हें लोगों को मौका मिला
तो लोगों ने कोयला घोटाला कर दिया। जब मुझे सेवा का अवसर मिला तो मैंने 7 करोड़ गरीब माताओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई और मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया। जब इन लोगों को मौका मिला तो इन लोगों ने बिजली में भी घोटाला कर दिया। जब उनको मौका मिला बिजली में घोटाला कर दिया और मुझे सेवा का अवसर मिला तो 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों में मुफ्त में बिजली देने का काम मैंने पूरा किया। जब इन लोगों को मौका मिला तो एनआरएचएम में घोटाला कर दिया, एम्बुलेंस में घोटाला कर दिया। जब मुझे सेवा करने का अवसर मिला तो हर गरीब को साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा वाली आयुष्मान भारत योजना लेकर। साथियों, जब इन लोगों की सरकार थी तो गरीब के लिए बैंक के दरवाजे बंद थे, तो बैंक में गरीब तो जाने से भी डरता था। जब मुझे सेवा का अवसर मिला तो मैंने 34 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक के खाते खुलवाए, बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। आज गरीबों के उन्हीं बैंक खातों में 1 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने जमा किया हुआ है। भाइयों, पहले यही पैसे उनके इधर उधर चले जाते थे, खर्च हो जाते थे और गरीबी गरीब वहीं पर रह जाता था। भाइयों और बहनों, ये वही लोग हैं जो आज भी ये जो सपा बसपा कांग्रेस महामिलावटी पूरे देश के ये सारी जमात आधार कार्ड का विरोध कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक गई, जितने अड़ंगे डाल सकते हैं डाले, पार्लियामेंट में जितनी रुकावट करनी थी की। भाइयों बहनों, मैं अड़ा रहा क्योंकि आधार कार्ड मेरे गरीब के लिए अधिकार का एक बहुत बड़ा औजार है। भाइयों बहनों, मैंने क्या किया? उन्होंने आधार कार्ड को ठुकराने का, रोकने का प्रयास किया, जबकि इसी आधार कार्ड जनधन खाते और आपके मोबाइल को जोड़कर हमारी सरकार ने 8 करोड़ बिचौलिए, 8 करोड़ फर्जी, गरीबों को लूटने वाले ऐसी सारी जमात को मैंने एक झटके में निकाल दिया। उनके नाम हट गए, उनका कारोबार हट गया, उनकी दलाली हट गई। इन्हीं फर्जी नामों की मदद से बिचौलिए गरीबों को मिलने वाली सीधी रकम हड़प कर जाते थे। साथियों, गरीब को गंदगी में रहने का शौक नहीं होता, वो उसकी मजबूरी होती है, लेकिन इन महामिलावटी लोगों ने गरीब को स्वच्छ वातावरण देने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, खुद फावड़ा झाड़ू लेकर के निकल पड़ा, 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए और इसी का नतीजा है कि देश में गंदगी से होने वाली तमाम बीमारियां कम हुई है, लाखों गरीबों का जीवन बचा है। भाइयों और बहनों, वंशवाद की बेल पकड़कर ये लोग इतना ऊपर चढ़ चुके हैं कि गरीब को तुच्छ मानते हैं,
गंदगी साफ करने वालों को तुच्छ मानते हैं, वहीं गरीबी से पैदा हुआ, गरीब में पला, गरीबी में बड़ा, गरीबों के आशीर्वाद से उसने कुंभ के मेले में गरीबों का पैर धोकर सफाई कर्मचारी का पैर धोकर खुद धन्यता धन्य हो गया मैं। भाई और बहनों, इन लोगों ने पूर्वांचल को बीमारी के यहां के गरीबों की मुसीबत को बीमारी के चंगुल में छोड़ रखा था। जापानी बुखार को लेकर इनके राज्य में क्या स्थिति थी उससे आप परिचित हैं। हमने इस बीमारी को रोकने के लिए अनेक गंभीर प्रयास किए हैं। जो टीकाकरण अभियान है उसमें पहली बार इंसेफ्लाइटिस का टीका भी हमने जोड़ा है। वहीं पूरे पूर्वांचल में अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। गोरखपुर में एम्स आपकी सेवा कर रहा है तो बनारस में आधुनिक कैंसर अस्पताल बने हैं। साथियों, किसानों की जरूरत के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। छोटे किसानों के खाते में सीधी मदद भी पहुंचनी शुरू हो चुकी है। हमने तो ये भी तय किया है कि 23 मई को जब फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तो 5 एकड़ जमीन का नियम भी हटा दिया जाएगा और सभी किसानों के खाते में सीधा पैसा जाएगा। इसी प्रकार हम गन्ने को भविष्य के ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत बना रहे हैं। अब गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज तक अब इथेनॉल से मिले हुए ईंधन से चलने लगे हैं। ये इथेनॉल गन्ने से बनाया जा रहा है, इसलिए गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए देश भर में प्लांट बनाए जा रहे हैं, जिसका लाभ यहां गन्ना किसानों के भी होना तय है। भाई और बहनों, हम पूर्वांचल को देश की गैस आधारित अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादकों का एक बड़ा हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। गोरखपुर के यूरिया कारखाने पर तेजी से काम चल रहा है। ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत इस पूरे क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। साथियों, ये स्थान तो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। कुशीनगर को बुद्धिस्ट सर्किट के तहत देश भर के बौद्ध श्रद्धा के केंद्रों से जोड़ा जा रहा है। सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। यहां रोड और रेल की कनेक्टिविटी तो सशक्त की जा रही है। एयरपोर्ट पर भी काम चल रहा है। भाई और बहनों, हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी आस्था के केंद्र है, उसका प्रचार प्रसार करें। लेकिन सिर्फ अपना परिवार देखने वाले कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये महामिलावटी लोगों ने हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे 125 करोड़ देशवासियों की ताकत, उनके नायक, ये राष्ट्र के इन महापुरुषों की कभी परवाह नहीं की।
दुनिया भर में बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में आपके इस सेवक ने ही विकसित किया है। आज लाखों लोग इन स्थलों पर प्रेरणा लेने जा रहे हैं। किसानों के लिए जीवन खपाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिभा भी ये चौकीदार ने बनाई है। आज गूगल में जाकर के नौजवान पूछेगा कि दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैच्यू कौन और कहां, तो निकल के आता है हिंदुस्तान में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू। लेकिन कांग्रेस और सपा और बसपा के महामिलावटी लोगों को ये भी नहीं पच रहा। साथियों, ऐसे स्वार्थ से भरे हुए लोग गरीबों का भला नहीं कर सकते, किसानों का भला नहीं कर सकते। जो चांदी का चमक लेकर पैदा हुआ और जिन्होंने गरीबों के नाम पर राजनीति करके खुद के लिए चांदी के चम्मच बनवा लिए, जो आज भी खुद को राजा महाराजा समझते हैं और जनता को अपना गुलाम, वो कभी आपको आगे बढ़ने के लिए काम नहीं कर सकते। ये काम सिर्फ आपका ये चौकीदार कर सकता है, आपका ये सेवक कर सकता है। इसलिए दिल्ली में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को शक्ति देना जरूरी है। आपका हर वोट मोदी के खाते में आएगा। भाइयों बहनों, आप चाहते हो देश मजबूत हो, देश मजबूत होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, घर में घुसने वाला होना चाहिए, घुस करके मारने वाला होना चाहिए। देश मजबूत बनाना है तो पोलिंग बूथ भी मजबूत बनाना पड़ेगा। बनाओगे पोलिंग बूथ मजबूत बनाओगे, घर घर जाओगे, मतदाता से मिलोगे, वोट डालने के लिए समझाओगे, देश के लिए मतदान कराओगे, गरीबी से देश को मुक्त कराने के लिए मतदान कराओगे, सुरक्षा के लिए मतदान कराओगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे। आप विश्वास करिए, जब आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके, मुट्ठी बंद करके, भारत माता की।